सीएम नीतीश कुमार के अररिया दौरे से पहले अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों ने कमर कस ली है। समायोजन की मांग को लेकर दर दर भटक रहे अनुदेशक सीएम से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। इस बाबत इन लोगों ने मीटिंग कर रणनीति तय कर ली है। पटना हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक समायोजन नहीं होने पर अनुदेशक सरकार से नाराज हैं। आइए जानते हैं इन लोगों का क्या मामला है। हम लोग बहुत पहले से अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर हम लोग काम कर चुके हैं। हमारे साथ और बहुत सारे साथी थे। सन 2016 तक 26 फरवरी 2016 तक जो लोग केस में गया उस सबको सरकार बहाल कर दिया। उसके बाद हम लोग जो 17 में फिर उसके बाद जो केस में गए हम लोग हाईकोर्ट में केस जीत गए। फिर सरकार जो है उसके लिए फिर अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहाँ भी केस हम लोग जीत गए। सरकार को कई कई बार आदेश दिया गया कि इसको बहाल कीजिए। 3 सप्ताह के बाद, 4 सप्ताह के बाद कई बार सरकार को आदेश दिया गया, माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं कर रहा है। आज हमारा साथी, हमारा जो भाई बंधु है, आज वो 2016 से 17 से नौकरी कर रहा है और हम रोड पर भटक रहे हैं। आज हम लोग इस तरह बन गए हैं कि हम लोग कहीं भी टिके नहीं है। हम लोग आज वो नौकरी कर रहा है, हजार तनख्वाह उठा खा रहा है, परिवार उसका आराम सुखी संपन्न से चल रहा है, लेकिन हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। हम लोग कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार बाबू से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी मजबूरी को देखते हुए, हमारी जरूरत को देखते हुए हमारी समस्या को समाधान करें। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का समाधान यात्रा के दौरान हम लोगों का समस्या का समाधान करें।